साधु जी, अब इसके बाद एक और चेक कर लेते हैं, जो पत्रकार हैं वो सामने आ जाएं। अब एक और हम चेक करके बताते हैं आप लोगों को, पत्रकार सामने आ जाएं, आप में से ही दो पत्रकारों का चुनाव कर दें। पूरी भारत की मीडिया लगी है, आज तक है, इंडिया है, टीवी 9 है, टाइम्स नाउ है, यहाँ छत्तीसगढ़ की लोकल टीम है, और पूरी जी टीवी है, और भारत के और जो का नाम एबीपी सुदर्शन है, और केबीपी भी है, हैं? जितने भी भारत के पत्रकार नेशनल चैनल की मीडिया है, आप सामने आ जाइए, अब हम आपको बताते हैं कि दरबार क्या होता है। और ये भारत के इतिहास में किसी भी धर्म में नहीं होगा। तुम पादरियों के सामने नहीं जा सकते हो, ना पादरी तुम्हारा सामना करेंगे, डर के मारे भाग जाएंगे, लेकिन बागेश्वर बालाजी रियल सनातनी और मंत्र दरबार है हनुमान जी का, हम तुमको जवाब देने को तैयार हैं। और तुम्हारे साथ साथ आर न्यूज भी है, न्यूज नेशन भी है, सब है तुम्हारे साथ साथ। जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां और भारत के संत पाखंडी होते हैं, उन सब की ठटरी। हाँ, ये कैसे लगा लेना अपनी बुद्धि, हम अभी बताते। अब हमको ये घोषणा या चैलेंज नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ आपको जो हमारे ऊपर भ्रम फैलाया गया कि भाग गए या अंधविश्वास है या इनके पास कुछ भी नहीं है, तो उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं कि हम भगोड़ा नहीं, हम हिंदू शेर हैं, और हम तुम्हारे नागपुर फिर आएंगे, और तुम अपना पारा गरम मत करना, हमारी तो आदत है। बोलो सीताराम, माइक लो पहले तो तुम। भैया जी पेन बदलो यार, चलता ही नहीं है आगे के लगे। हमने कहा बेटा, हमने कोनो बुराई कर दी का, ढंग को पहन दा। गुरुजी माइक रखना है, एक आप लोग चुनाव कर लीजिए, दो लोगों का, पत्रकारों में खुद चुनाव करिएगा, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। नहीं तो ये हो जाएगा कि गुरुजी के ने अपने सेट कर ले पैसा दे के, तुमने बहुत विचित्र हो, हम तुम्हारी कला जाना ही थे ढंग से। आप लोग सुनाओ जब तक माइक, और हम करेंगे तो लोग कहेंगे कि गुरुजी ने जो है अपना पैसा दे करके सेट करके बुलाया है। पहले ये घोषणा करिए कि ये हमारी न्यूज दिखाएंगे, आज के बाद अब हमको अंधविश्वासी तो नहीं कहोगे, अगर हम रियल बोल बता देंगे तो अंधविश्वासी तो नहीं कहोगे, बोलो है ना भाई। अगर नहीं तो काय को बताएं, अपने बढ़िया गली में बैठो, सीताराम जपो, तुम जैसो सबको नंबर आओ सो तुम आओ, आए तुम कौन स्पेशल, बोलो। अगर तुम मानते हो तो तुमको जो है ये कहना पड़ेगा कि ये अंधविश्वास नहीं है, आंखों से हमने देखा है, दर्शक इसका निर्णय करें। हम ये भी नहीं कहते कि तुम प्रमाण पत्र दो, हमें प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, ना तुम हमें प्रमाण पत्र दे सकते हो, क्योंकि हमें गुरुजी पहले ही दिए हैं। माइक लो। श्री बालाजी सरकार की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। भैया कहाँ के हो तुम? काशी बनारस से गुरुजी। क्या नाम? विवेक सिंह। यहाँ तुमने किसी को बताया था क्या? नहीं गुरुजी। यहाँ क्या कर रहे? छत्तीसगढ़ है, आपका दर्शन करने आए गुरुजी। अच्छा। आपने बुलाया, आ गया। वाह वाह वाह, हम बनारस भी गए थे जी, मैं आपकी कथा सातों दिन गया था गुरुजी, वहां सुना था गुरुजी। माइक रखना है, माइक से नहीं बोलना है जी। हाँ, ये बहुत अच्छा बात है, अगर किसी को अपनी बात माइक से नहीं बोलनी है तो हमें प्रदर्शन नहीं करना है, आपकी समस्या का समाधान देना है, माइक बिल्कुल बंद करवा सकते हैं, क्योंकि हमें ना तो प्रदर्शन करना, ना हमको प्रमाण पत्र। बोलो क्या बात, हम अपना भी कर ले। तुम पहले एक पर्चा लेकर के आए हो, माइक लो पहले, तुम्हारी जेब में पर्चा है और पर्चे में प्रश्न लिख कर लाए हो, पहले वो निकालो। हाँ, हम सनातनी हैं बागेश्वर बालाजी के, ये पर्चा उनको दिखाओ कैमरा में, हमें मत दिखाओ, तुम मत करना, टीवी वालों को दिखाओ, टीवी वालों, और इस पर्चे में 6 नंबर तक के प्रश्न लिख करके ये लाए हैं। कितने नंबर तक हैं? 6 नंबर तक। पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, और ये सनातन के ऊपर उंगली उठाने वालों के मुंह पर तमाचा है,
क्या तुम लोगों ने लिया, कैमरे में लिया? न्यूज वालों उतरे एंगल, चलो जा नजदीक, चलो जा उन लोगों के, जा मारो इनके मुंह पे, जो कहते भगवान नहीं होते हो दरबार नहीं होता, मारो इनके मुंह पे। और इस आदमी को ले जाओ एक कोने में, लगो इसमें मार कि हमसे मिला तो नहीं है, इसने किसी को बताया तो नहीं है, बता। छह नंबर तक प्रश्न है, पहले नंबर पर बालाजी की कृपा का प्रश्न लिखा होगा, पहले नंबर पर इसने जो प्रश्न लिखा होगा बालाजी की कृपा का लिखा होगा, फिर बहन के बारे में लिखा होगा, सब कैमरा वाले। अब आप जाइए जरा इन लोगों से पहले निपटिए, तुम्हारा पर्चा रखा है हमारे पास। हाँ मैंने ये किसी को नहीं बताया था। आपका नाम क्या है? विवेक सिंह। विवेक सिंह कहाँ से आए आप? काशी बनारस से। बनारस से आए जी। क्या दिक्कत है? आपने लिखा वही दिक्कत जी। बाबा जी ने क्या बताया? बिल्कुल जो भी दिक्कत है गुरुदेव भगवान वही बताए हैं। अभी नहीं उपाय तो गुरुजी के पास जाएंगे तब ना। जी बिल्कुल, हम तो गुरुदेव भगवान को बहुत दिनों से मानते हैं। आप इसके पहले कभी मिले हो हमसे? तो नहीं मिले, ये प्रचार तो तुमने नहीं बताया? नहीं गुरुजी देव। और ये किसी ने पूछा तो नहीं? नहीं, झूठ या पाखंड में तो नहीं पड़ रहे? किसी को नहीं। झूठ मत बोलना, पाप लगेगा करोड़ों लोगों का। नहीं गुरुदेव भगवान। पक्का जी? और जो कहते थे भगवान नहीं होते दिव्य शक्तियां नहीं, ले टकला देख ले, हाँ देख ले टकला, बार उड़ जाएंगे तेरे माथे के। हाँ हम सनातनी हैं, हम बालाजी के हैं और गुरुजी के हैं, यही गुरुजी की। लेकिन आज के बाद पूरी नेशनल मीडिया पर हम कहते हैं हम किसी के सामने कोई भी जवाब, आज के बाद कोई भी हम सफाई या आज के बाद कोई भी प्रदर्शन नहीं करेंगे अपनी शक्तियों का, आज हमें गुरुजी ने छूट दे रखी है। एक बार इनके सामने जरूर जाना चाहिए बेटा, ऐसा हमें गुरुजी ने कहा। आज के बाद कभी भी कोई भी चुनौती आएगी हम नहीं मानेंगे, अपने हाथी चले बाजार। हम तभी मानेंगे, कल आ जाए कोई, किसी को अगर दिक्कत हो तो कल आ जाए, कल हम अपने गुरुजी से प्रार्थना कर लेंगे। और उनको बुला रहे हैं जिन्होंने हमको चुनौती दी थी, उनकी ठाठ बोल बेटिया। क्यों बुलाना नहीं चाहे तो तुम उन लोगों को, कौन कौन बुलाना चाह रहा है? अच्छा हमारे साथ महाराष्ट्र नागपुर कौन कौन चलेगा? पक्का? हाँ बोलो। भाई टू स्पॉट है ना, भाई टू स्पॉट है, भाई टू स्पॉट। हमने ऐसा लिखा, एक पर्चा लाए हैं, छह प्रश्न लिख करके जेब में डाला हुआ है, आगे वाली जेब में डाला। स्थाई कार आप चाहते हैं, रुकावट बनी, कर्ज से हैरान, बालाजी की कृपा होगी। बालाजी का प्रश्न इन्होंने पहला लिखा है, बहन का द्वितीय विवाह मंगल होगा, एक बहन को सफेद दाग है जो ठीक होंगे, आशीर्वाद। बाकी प्रश्नों के उत्तर धाम के दरबार में भी प्राप्त हो जाएंगे, आशीर्वाद है। चौबीस में योग बन रहा है, जीवन भर हम तुम्हारे साथ हैं और तुम चिंता मत करो। हम तो प्रार्थना कर सकते, ना तो हम ईश्वर हैं ना हम भगवान हैं, हम तो बालाजी से प्रार्थना करते जिन्होंने ये लिखवाया है, और ये पर्चा नहीं कटेगा, हमें अपने बालाजी पर भरोसा है। हाँ लो चलो, एक मंत्र लिख दिया है, पांव पढ़ लो, तुम पांव पढ़ लो, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम, पांव पढ़ लो, तुमको छूट है, बस 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 बस, लो लो कुछ ही रहा, लो चलो। लगन तुम से लगा बैठे, उठाओ दोनों हाथ,
साहब की कथा सुनकर राम जी से लग गए। वही हाथ खड़े करना जो राम जी वाले हैं, तो दोनों हाथ उठाकर ताली बजा के जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से हो, लगन हरि से लगा के भीतर बगल वाले के पाप घुस जाते। हाँ, वाह। शरम अब बेच खावे थे, शरम अब बेच खावे थे, जो होगा देखा जाएगा, शरम अब बेच खावे थे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, दीवाने बन गए तो फिर दुनिया से क्या मतलब, दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। मैं तो दीवानी हो गई,
गलियों में आ गए थे, तेरी गलियों में आ गए थे, जो होगा देखा जाए। तेरी गलियों में आ गए थे, जो होगा देखा जाए, जो होगा देखा जाए। अपने अपने मताई बाप की, गिरधर लाल की।